केक कटिंग सेरेमनी के बाद अब बारी थी हस्बैंड के लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट लेने की। कैसे हैं आप सब? सुबह उठते ही मंडे वाले दिन इतना टफ रूटीन थी बिकॉज उस दिन मेरी क्लास भी थी। क्लास होने के बाद अब नाश्ता बनाने का तो कोई दिल नहीं था, तो हम लोगों ने किया बाहर से ही नाश्ता। और यहाँ एक घंटे की क्लास में मैंने ज़ारा को इतना मिस किया कि निकलती मैंने कहा प्रॉम छोड़ो, इसको मेरी गोद में दो। तो ये ब्रेड ही लेकिन बहुत ही मजे की लगती है। सो इस दुरादे का नाश्ता को हमने खूब इंजॉय किया। मैं लास्ट टाइम भी जिक्र किया था कि कैफे की मुझे कॉफ़ी और दुरादा बहुत पसंद है। उस दिन बहुत अच्छा था लेकिन गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी बिकॉज लास्ट टू डेज में 40 तक टेम्परेचर पुर्तगाल में पहुंच चुका था। और इस पार्सल का शीन के मुझे इतना वेट था कि फैसल ने मुझे बताया पार्सल आ गया। मैंने कहा मुझे दिल कह रहा था कि आज पार्सल आ ही जाएगा बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा इंतजार इस बात का था। माशाल्लाह ज़ारा बहुत प्यारा चलती है तो आई जस्ट वॉन्ट कि मैं उसकी छोटी छोटी क्यूट क्यूट वीडियोज जो है बाहर शूट करूँ जो हमेशा के लिए हमारे पास एक मेमोरी के तौर पर रहे। बिकॉज जो बच्चों के फर्स्ट स्टेप्स होते हैं ना, वो मासूमियत, वो कांपते हुए चलना और गिरते हुए उठ जाना, तो वो हमेशा के लिए मोमेंट्स आपके पास अपने बच्चों के लाजमी होने चाहिए। सो फाइनली जूते आ गए और इसको पहना और इतना खुश थे हम लोग। और ये वो ड्रेस है जिसका लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से जिक्र किया था कि H&M से मैंने जो है टॉप परचेज किया है, इट वॉज वन ऑफ देम। और उस दिन इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी कि आई वॉज लाइक यार ये क्या सीन है। और यहाँ तक कि हम जब गूगल मैप पर एड्रेस डाला खाना खाने के लिए, हम लोग सुबह के वहाँ पर जब अपने एड्रेस डाला तो यार वहाँ पर आ रहा था कि हो सकता है आपका रास्ता डिले हो जाए क्योंकि यहाँ पर फॉरेस्ट फायर हो गई थी गर्मी की वजह से, जो है आग लग गई जंगलात में। सो मौसम शाम के टाइम पर बहुत बेहतर हो जाता है, जितनी दिन में गर्मी रात में उतने ज़्यादा ठंडा मौसम। वहाँ पर बैठ के कोलंबो और उबो दोनों की लोकेशन डाली तो कोलंबो हमें ज़्यादा पास पड़ा, तो हम लोगों ने कहा चलो लड़के का गिफ्ट रह गया अब वो तो परचेज कर लें, ट्रीट तो खा ली है लेकिन गिफ्ट तो देना बनता है। फाइनली वी रीच एट कोलंबो मॉल। ये वो मॉल है जहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आपको देखने को मिलते हैं बिकॉज ये बहुत खूबसूरत मॉल है। और मैं खुद भी जब पहली दफ़ा पुर्तगाल आई थी तो सेकेंड डे फैसल मुझे सबसे पहले यहीं घुमाने के लिए लाए गए। सो फैसल को चाहिए थे एक अदद शूज, तो आई थॉट वाई नॉट इनको यही कुछ गिफ्ट किया जाए। ये सब वो आर्टिकल्स हैं जो हमने वहाँ पर पसंद किए थे और ट्राई किए थे और इनमें से फाइनल एक किया जो लास्ट पे मैं आपको दिखाती हूँ। एडिडास के शूज बहुत अच्छे होते हैं लेकिन मुझे ना वो जो नेट वाले आता है ना बीच में कॉन्सेप्ट, वो इतना कोई अच्छा नहीं लगता। खैर जो हम लोगों ने स्टाइल पसंद किया उसमें साइज नहीं था और साइज के लिए हम लोगों ने काउंटर पे ऑर्डर किया और यहाँ पर देखे फैसल का नाम आ रहा था कि इस लिस्ट में आपका साइज आ जाएगा। और दिस वाज द आर्टिकल विच वी टुक। मुझे ना बड़ी क्रेविंग हो रही थी इस तरह की ना कैप्स पहनने की, तो मैंने कहा चलो यार जब तक वो पे कर रहे हैं मैं थोड़ा सा यहाँ पर। माशाल्लाह ज़ारा ने चलना शुरू किया और जो एक्साइटमेंट हमें उसको जूता पहना के उसको मॉल में खुला छोड़ने की थी, और वो वहाँ भागे जा रही थी, सबके पाँवों में भागे जा रही थी और सब वहाँ पर देख कर इसको इतना खुश हो रहे थे माशाल्लाह। ये यहाँ पर बहुत प्रिकॉशन करनी पड़ती है, आपको इसके साथ साथ रहना पड़ता है बिकॉज बच्चे को अगर आपने ऐसे ही छोड़ दिया पुलिस वाले तो ले जाते हैं। अगर मेरी टिकटॉक को देखने वाले न्यू व्यूअर हैं या मेरी यूट्यूब की वीडियो को देखने वाले न्यू व्यूअर हैं देन मस्ट फॉलो एंड मस्ट सब्सक्राइब। अब कोलंबो मुझे इस लिहाज से बिल्कुल अच्छा नहीं लगता बिकॉज वहाँ का एक कोना कहाँ और दूसरा कहाँ होता है, वहाँ पर इतना मुश्किल है ब्रांड्स को ढूंढना। सो थोड़ा सा ईजी बनाने के लिए उन्होंने इस तरह के मोनिटर्स हर जगह लगाए हैं। प्राइमक मुझे ऐसे कुछ भी पसंद नहीं आया लेकिन उनकी क्रॉकरी अच्छी थी। सो इट वॉज द होल डे एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।